लंबा समय बंगाल में रहे हूँ, तो मेरा सवाल बंगाल से जुड़ा हुआ है। आप बंगाल में क्या बीजेपी के लिए प्रोस्पेक्ट देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, आपके लिए भी मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं। कभी आपको बहुत स्नेह से वो आम भी बेचती है, टॉक मिष्टी कहते हैं हमारे बंगाल में, मतलब खट्टा मीठा टाइप का रिश्ता है। आपको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस तरह के अट्रोसिटीज हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ, हमने असेंबली इलेक्शन में भी जिस तरह का वायलेंस देखा, आपको लगता है शी इज़ लॉस्ट कंट्रोल कम्प्लीटली ऑफ द स्टेट? ऐसा है कि उनको ये राजनीति सूट करती है, इसलिए वो सरकारी मशीन का उपयोग ही इस मकसद के लिए करती है। एक प्रकार से उनका शासन पर इतना कंट्रोल है, लेकिन गलत दिशा में है। वे शासन पे कंट्रोल है नहीं है, और शासन में बैठे हुए कोई लोग करते ऐसा नहीं है, वो खुद ही करवाती हैं, खुद ऐसे करने वालों को प्रोटेक्शन देती है। उनका खुद का कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यही रास्ता है सत्ता में रहने के लिए। और मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी मुझे आम भेज दें या मिष्टी दही भेज दें, वो तो शायद एक प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल है। हिसाब से वो करते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसके विषय में हम आंख बंद रख सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। आप बंगाल में क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं भाजपा के लिए, खास करके इस इलेक्शन में? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सफलता, इतनी तेजी से बीजेपी का ग्रोथ किसी राज्य में नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ है। 3 में से हम 80 क्रॉस कर गए, 3 MLA थे। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए, और एक खान मार्केट गैंग देखिए कि जिसने सत्ता नहीं बनी इसलिए पराजय। अरे 3 से 80 क्रॉस कर गए भाई, बड़ा विजय था हमारा। लेकिन खान मार्केट गैंग ने देख लिया कि ओ भाई भाजपा के तो सपने खत्म हो गए। आज हमारे MP बंगाल में और बड़े शान से काम कर रहे हैं जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तेजी से विकास है, अद्भुत स्वीकृति है, समाज के सभी वर्गों में है। और अब बंगाल के लोग दूसरा विभाजन नहीं देखना चाहते, अब बंगाल को टूटता हुआ देखने की तैयारी बंगाल के लोगों की नहीं है। सर, बंगाल के बाद एक बार मैं दिल्ली को लेकर सवाल पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन तिहाड़ में गुजारे, बाहर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो इकोसिस्टम, या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊँगा और रिज़ाइन बिल्कुल नहीं करूँगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि ये बेल है, मेरी जीत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूं उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है, मैं तो अदालत ने क्या कहा उसके ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है मैं उसको तो मानूंगा। एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो, कम से कम हाईकोर्ट ने शराब घोटा के लेके मारे में जो कहा है और बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। अब चिंता का विषय ये है देश में, और जो गंभीर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा, सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने भर स्कूल नहीं आता था, उसके माँ बाप भी शर्माते थे, यार मेरा बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था। ये स्थिति थी, यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में।
आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो, ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है। मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार की होता क्या, पहले जमाने में डाकू होते थे, महिमा मंडन होता था उनका, वो डकैती करते थे, महिमा मंडन होता था समाज में, अखबारों में भी। मैं जो मेरा तो पहले के जमाने में दो दो पेज स्टोरी, कवर स्टोरी मिलती थी उनको कि ऐसा ऐसा उसका तो जीवन ऐसा, वो तो ऐसा कर सकता है, और वो बड़े बन जाते थे। दुर्भाग्य से अब राजनेताओं को ये बेनिफिट मिलने लगा है कि इतना भ्रष्ट लोगों का, मैं तो हैरान हूँ कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए। एक चांद सोभराज मैंने अपना देखा था कि लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे, और आज मैं देख रहा हूँ। वरना कोई भाई, अब इनके विषय में एक बार क्लियर हो जाए तब तक रहने दो। ये पतन है समाज जीवन का, मेरी चिंता वो है।